बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। झांसी की रानी के जन्मदिन जयंती के उपलक्ष्य में दीपांजलि कार्यक्रम के अंतर्गत आज सशक्त युवा द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पार्क में सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पार्क के द्वार भिन्न भिन्न तरीकों से सजाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री गोवर्धन गुप्त रहे। वहीं निर्णायक मंडल की भूमिका में श्री मनमोहन गेड़ा व श्री संतोष साहू उपस्थित रहे। संस्था की संस्थापिका भूमिका सिंह व सह संस्थापिका शिवाली अग्रवाल ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए व बच्चों को शील्ड व सर्टिफिकेट भी बांटे। संस्था की अध्यक्ष दिव्या सक्सेना ने कार्यक्रम का संचालन किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सुबी सिंह, द्वितीय स्थान अक्षिता कन्ने, तृतीय स्थान सिमरन चौहान रही और इन बच्चों की संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। झांसी से पारस शर्मा की रिपोर्ट। में आपका स्वागत है मैम। आप यहाँ आज क्यों एकत्रित हुए, क्या है इसका कारण बताएं? जैसे कि झांसी की रानी का जन्म दिवस है, जो कि पूरी झांसी में बल्कि पूरे बुंदेलखंड में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सभी झांसी वासियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हम सभी इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आज यहाँ हमारी संस्था सशक्त युवा के द्वारा लक्ष्मीबाई पार्क में द्वार सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी सारी बच्चियों ने भाग लिया और उनको हमने सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।